हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 11.2 के कुछ प्रॉब्लम्स देखते हैं। सो इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम में उनका एग्जांपल नंबर वन, एग्जांपल नंबर टू भी है। तो पहले एग्जांपल नंबर वन से हम शुरू करते हैं। ये फाइंड इक्वेशन ऑफ जनरेटर हाइपरबोलिक पैराबोलॉइड गिवन है आपके पास, और वो पास करता है 111 पॉइंट से। उसके लिए जनरेटर की इक्वेशन निकालनी है। लाइकवाइज जैसे हमने हाइपरबोलॉइड ऑफ वन शीट के लिए जनरेटर निकाला था, उसी तरह से हम निकालेंगे। एग्जाम्पल में जो सॉल्यूशन दिया है आप उस तरह से भी कर सकते हो, बट मैंने जिस तरह से आपको हाइपरबोलॉइड ऑफ वन शीट के लिए समझाया था उसी तरह से ट्राई किया है। सो ये आपके पास इक्वेशन हो गई जो 111 पॉइंट से पास करती है। उसके डायरेक्शन रेशियोज अभी हमें नहीं पता है, तो लेट कर लिया हमने एक स्ट्रेट लाइन को, ठीक है। एक्स माइनस वन बाई एल, वाई माइनस वन बाई एम, वी माइनस वन बाई एन इक्वल टू से आर, ये आपके पास इक्वेशन हो गई। और इक्वेशन नंबर वन हो गई आपके पास हाइपरबोलॉइड ऑफ हाइपरबोलिक पैराबोलॉइड जो गिवन है। नाउ एनी पॉइंट ऑन दिस लाइन, वो एक्स वाई जी इक्वल टू वन प्लस एल आर, वन प्लस एम आर, वन प्लस एन आर हो गया। ये पॉइंट ऑब्वियसली जनरेटर पे अगर है तो हाइपरबोला के ऊपर भी होगा। देन पुट पॉइंट इन इक्वेशन, इक्वेशन वन के अंदर पॉइंट पुट कर दिया है। एक्स वाई जी की वैल्यू भी रखा दी मैंने, एक्स वाई और जी की ऐड कर दिया। ट्वाइस ऑफ एक्स प्लस वाई माइनस जी इक्वल्स टू सिक्स जी, ठीक है। यहाँ पे ये वैल्यू आप देख सकते हैं, ये ऐड कर दिया, मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई कर दिया, क्वाड्रेटिक बन गई। ऑब्वियसली ये आर के अंदर क्वाड्रेटिक बन गई, तो आर स्क्वायर कोएफिशिएंट बिकॉज ये आइडेंटिटी है, तो ये हमें इसे क्या करना होगा, इक्वल टू कोएफिशिएंट को जीरो रखना है। तो आर स्क्वायर कोएफिशिएंट ये हो गया, एंड आर का कोफिशियंट को इसको सिंप्लीफाई कर लिया मैंने इस पूरे ब्रैकेट को, और ये हमारे पास आया 8l प्लस 5m माइनस 7n इक्वल टू जीरो। ओके, तो अब ये हमारे पास दो सिस्टम आ गए हैं। देखिए इनको सॉल्व कैसे करना है, दिस इक्वेशन से इक्वेशन नंबर थ्री और इक्वेशन नंबर फोर। इक्वेशन नंबर थ्री विद दीज टू टर्म्स का प्रोडक्ट इक्वल्स टू जीरो, इट मीन्स आइदर l प्लस m प्लस n इक्वल्स टू जीरो और 2l प्लस m माइनस n इक्वल्स टू जीरो, करेक्ट। इसलिए दो टर्म्स का प्रोडक्ट का मतलब यही होता है। और फोर्थ जो टर्म है वो हमें दोनों के साथ ले ली। एक बार हमने ये केस ले लिया जिसमें एल प्लस एम प्लस एन इक्वल टू जीरो, उसके साथ हमने इक्वेशन नंबर फोर ले ली। इन दोनों को जब साइमल्टेनियसली सोल्व किया, एल एम एन की वैल्यू हमारे पास आ गई फोर माइनस फाइव एंड वन। इसी तरह से टू एल प्लस एम माइनस एन को जब हमने फोर्थ इक्वेशन के साथ सोल्व किया, एल एम एन की वैल्यू आ गई वन माइनस थ्री वन। इसका मतलब इक्वेशन जो आपकी जनरेटर की हो गई वो कितनी बन गई, इक्वेशन ऑफ जनरेटर x माइनस वन बाई फोर, वाई माइनस वन बाई माइनस फाइव, जी माइनस वन बाई वन, एक इक्वेशन ये आ गई। एंड अनदर इक्वेशन इज x माइनस वन बाई वन, वाई माइनस वन बाई माइनस थ्री, जी माइनस वन बाई माइनस वन। ये एल एम एन की वैल्यू लेके मैंने ये दोनों वैल्यूज मैंने इक्वेशन नंबर टू के अंदर पुट कर दी है, ठीक है दोनों। तो ये आपके पास दो जनरेटर आ गए। नेक्स्ट है हमारे पास एग्जाम्पल नंबर टू, फाइंड द लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर जनरेटर्स ऑफ हाइपरबोलिक पैराबोलॉइड। लोकस निकालना है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर जनरेटर्स। तो कोई हाइपरबोलिक पैराबोलॉइड हम लेट कर लेते हैं, जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू टू जी, ठीक है ये आपके पास। अब नाउ वी नो इक्वेशन ऑफ जनरेटर की इक्वेशन क्या होती है, इसके जनरेटर की इक्वेशन एक लैम्डा सिस्टम एक म्यू सिस्टम। पहले लैम्डा सिस्टम की देख लेते हैं, देन इक्वेशन ऑफ जनरेटर ऑफ म्यू सिस्टम, सिमिलरली उसी तरह से म्यू सिस्टम के लिए भी निकाल पाएंगे। सो एक्स बाई ए माइनस वाई बाई बी इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स जी, एंड एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू टू बाई लैम्डा। म्यू सिस्टम x by a माइनस y by b इज इक्वल टू टू बाई म्यू, एंड x by a प्लस y by b इज इक्वल टू म्यू z। ओके, नाउ दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन को और सिंप्लीफाई करके अगर हम लिख लेते हैं, x by a माइनस y by b माइनस लैम्डा टाइम z इज इक्वल टू जीरो, एंड x by a प्लस y by b प्लस जीरो टाइम्स z माइनस टू बाई लैम्डा इज इक्वल टू जीरो। जी की कोई भी टर्म नहीं है इसलिए मैंने कोफिशिएंट यहाँ जीरो लिख दिया है। देखिए अब लेट करते हैं एल वन एम वन
n1, b डायरेक्शन रेशियोज और डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ जनरेटर्स। ठीक है, अब देखिए ये यहाँ पे आपके पास इक्वेशन ऑफ, मैंने पहले बताया था इक्वेशन ऑफ प्लेन होती हैं, उनके इंटरसेक्शन से लाइन मिलती है। तो ये अगर इक्वेशन ऑफ प्लेन है, हमें पता है, यहाँ पे मैं मार्क कर देती हूँ छोटा सा, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जी प्लस डी इक्वल टू जीरो इक्वेशन प्लेन की है, क्योंकि एक्स वाई और जी के अंदर है ये। देन ये जो आपके पास एक्स वाई और जी के कोफिशेंट होते हैं, दैट इज ए ए बी और सी, एक्चुअल में ए बी और सी नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज होते हैं, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल टू दिस प्लेन। ओके, तो इसी तरह से यहाँ पे एक्स वाई जी के कोफिशेंट कितने हैं, 1/a माइनस 1/b एंड माइनस लैम्डा। यहाँ पे डायरेक्शन रेशियोज नॉर्मल के, इस मतलब इस प्लेन के जो नॉर्मल रहेगा उसके डायरेक्शन रेशियोज, तो 1/a 1/b एंड 0। ठीक है, तो अगर कोई चीज़ नॉर्मल है और ये क्या है, डायरेक्शन रेशियो जनरेटर के, ठीक है, तो ये जनरेटर के ऊपर, जनरेटर जो आपकी लाइन आएगी वो कितनी इंक्लाइंड है, वो L1 M1 N1 से पता लग रहा है, और ये उसके नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज हैं, तो ऑब्वियसली डॉट प्रोडक्ट कितना आएगा, L1 upon a माइनस M1 upon b माइनस N1 lambda इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसी तरह से ये आपके पास, ये भी इसके साथ जनरेटर के साथ नॉर्मल रहेंगे ये डायरेक्शन रेशियो, तो ये आपके पास बन गया L1 upon a प्लस M1 upon b 0 times 0। ठीक है, 0 times n1 equals to 0। तो आपने इन दोनों इक्वेशन की हेल्प से L1, M1 और N1 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, इस इक्वेशन को अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ तो इजी हो जाएगा हमारे, हमें सोल्व करना, M1 upon b प्लस 0 times n1 इज इक्वल टू 0। तो L1, M1 और N1 की वैल्यू हमें निकालनी है यहाँ पे, और वो आ गई है λ/b माइनस λ/a एंड 2 upon ab। ए बी को पूरे अगर हम एलसीएम लेके मल्टीप्लाई कर दें तो L1 की वैल्यू आ गई आपके पास λ/a, M1 इज माइनस बी लेमडा, N1 इज 2। ठीक है, L1, M1, N1 की वैल्यू ही हमें मिल गई। लाइकवाइज ये आपने लेमडा सिस्टम को पहले सिंप्लीफाई किया, इसी तरह अगर हम म्यू सिस्टम को सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास इक्वेशन L1, M1, N1 या कहें सॉरी इस केस में L2, M2, N2 ले लेते हैं। लेट L2, M2, N2 बी डायरेक्शन रेशियोज ऑफ जनरेटर, जो जनरेटर निकालने हैं उनके डायरेक्शन रेशियोज। सो अब अगेन हमें पता है इसके कॉफिशेंट, ये जो प्लेन दिए हुए हैं इनके कॉफिशेंट के साथ उनका प्रोडक्ट कितना आएगा, L2/a माइनस M2/b 0। एंड यहाँ से दूसरी इक्वेशन जो यहाँ से निकलेगी, L2/a प्लस M2/b माइनस म्यू टाइम्स N2 इज इक्वल टू 0। इन दोनों इक्वेशंस को सोल्व करके L2, M2 और N2 की वैल्यू हमने निकालनी है, और वो मैं ए म्यू आ जाएगी, बी म्यू एंड 2। ठीक है, अब कंडीशन और क्या दी हुई है इन दोनों जनरेटर्स के बारे में, दैट दीज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर जनरेटर, ये जनरेटर परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है तो ऑब्वियसली उस जनरेटर के जो डायरेक्शन रेशियोज हमारे पास आ रहे हैं वो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या बनेगा, 0 बनेगा। ठीक है, एज टू जनरेटर्स आर परपेंडिकुलर, ठीक है, देयरफॉर L1 L2 मतलब है L1 i कैप प्लस M1 i j कैप प्लस N1 k कैप का डॉट प्रोडक्ट, L2 i M2 j N2 k डॉट प्रोडक्ट 0 आएगा। ठीक है, तो L1 की वैल्यू होगी λ/a, उसका डॉट प्रोडक्ट L2 के साथ आएगा तो a म्यू a स्क्वायर लैम्डा म्यू, सॉरी a स्क्वायर लैम्डा म्यू माइनस b स्क्वायर लैम्डा म्यू प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो इसे हम लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लैम्डा म्यू प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। नाउ हमें लोकस बताना है, बट उससे पहले सिर्फ एक बात और यहाँ पे आपने ध्यान रखनी है, दो जनरेटर का इंटरसेक्शन पॉइंट जब हमने निकाला था, दो जनरेटर का इंटरसेक्शन पॉइंट निकाला था तो x की वैल्यू आई थी a टाइम्स लैम्डा प्लस म्यू,
लास्ट वीडियो में किया है हमने, y की वैल्यू आई थी b म्यू माइनस लेमडा अपॉन में लेमडा म्यू एंड z इज इक्वल्स टू 2 बाई लेमडा म्यू। तो ये जो लेमडा म्यू है इसको 2 बाई जी लिख सकते हैं हम। तो ये इक्वेशन बन गई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 2 बाई जी प्लस 4 इज इक्वल टू 0, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ट्वाइस प्लस 4z इज इक्वल टू 0। 2 भी अगेन कॉमन ले सकते हो आपके पास, तो ये आपके पास रिक्वायर्ड इक्वेशन आ जाएगी, लोकस आ जाएगा, विच इज रिक्वायर्ड लोकस ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ जनरेटर्स ऑफ हाइपरबोलिक पैराबोलॉइड। ओके, नेक्स्ट है एग्जांपल नंबर 3, एक्सरसाइज का एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 3 है ये। देखिए, शो दैट एंगल बिटवीन द जनरेटिंग लाइंस ऑफ, ये आपके पास हाइपरबोलिक पैराबोलॉइड गिवन है, एंगल दिखाना है बिटवीन जनरेटिंग लाइंस, जो जनरेटिंग लाइंस जो इस एक्स वाई जी पॉइंट से पास करती हैं उसके बीच में, दो जनरेटिंग लाइन के बीच में एंगल टेन थीटा, ये आपने दिखाना है। ठीक है, नाउ तो सबसे पहले आपके पास हाइपरबोलिक पैराबोलॉइड गिवन है, इसे हम लैम्डा और म्यू सिस्टम में सेपरेट कर सकते हैं, x by a plus y by b is equal to 2z। ठीक है, नाउ इक्वेशन ऑफ टू जनरेटर्स ऑफ लैम्डा और म्यू सिस्टम कैसे लिखा जाएगा, इक्वेशन ऑफ टू जनरेटर्स ऑफ लैम्डा सिस्टम एंड म्यू सिस्टम x by a minus y by b is equal to 2 lambda and x by a plus y by b is equal to z upon में lambda। ठीक है, ये आपके पास एक इक्वेशन आ गई। इसी तरह से म्यू सिस्टम x by a plus y by b is equal to 2 म्यू एंड x by a minus y by b is equal to z by म्यू, ये दो आपके पास सिस्टम आ गए जनरेटर के। नाउ ये दोनों जनरेटर किस पे इंटरसेक्ट करते हैं, इंटरसेक्ट एट पॉइंट x y z। दोनों इस पॉइंट से पास करते हैं, मतलब ये एक्स वाई जी दोनों में पॉइंट है, एक्स वाई जी आप इन दोनों इक्वेशन में लिखोगे तो एक्स की जगह पे एक्स रिप्लेस करोगे वाई की जगह, वाई जी की जगह जी, मतलब इक्वेशंस यही रहनी है। तो आपने अब इन इक्वेशंस की हेल्प से एक्स वाई और जी की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, देखिए अब जैसे अगर आप ये इन दोनों इक्वेशंस को लो तो आप इनको ऐड करोगे तो एक्स वाई ए की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी। मान लीजिए आपने इन दोनों को सॉल्व किया, ऐड किया, वाई वाई बी कैंसिल हो गया, एक्स वाई ए की वैल्यू आ गई लैम्डा प्लस म्यू। ठीक है, इसी तरह से एक्स वाई ए की वैल्यू आप जब यहाँ रखोगे तो वाई बाई बी की वैल्यू निकाल सकते हो और वो आ गई म्यू माइनस लेमडा। इसी तरह से वैल्यू एक्स वाई ए वाई बाई बी की वैल्यू मान लीजिए आपने इस इक्वेशन में रख दी तो जी बाई जी की वैल्यू आ गई 2 लेमडा। ठीक है, एक्स वाई जी तीनों की वैल्यू हमें मिल चुकी है जिस पॉइंट पे आपके दोनों जनरेटिंग लाइन जो जनरेटर्स थे वो इंटरसेक्ट कर रहे थे। नाउ अभी जो लास्ट प्रॉब्लम हमने देखी लैम्डा और म्यू सिस्टम से डायरेक्शन रेशियोज हमने देखे थे, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ से लैम्डा सिस्टम के, या मतलब कहें डायरेक्शन रेशियोज ऑफ इक्वेशन वन जनरेटिंग लाइन ये है, इसके डायरेक्शन रेशियोज अभी हमने देखे थे और वो कितना आ रहा था, एल वन एम वन एम वन डायरेक्शन रेशियोज माने थे, लेट एल वन एम वन एन वन भी डायरेक्शन रेशियोज ऑफ इक्वेशन वन। तो L1 अपॉन में हमारे पास आया था a लैम्डा, m1 इज इक्वल्स टू m1 इज माइनस v बाय लैम्डा, n1 इज 2। इसी तरह से L2 m2 n2 डायरेक्शन रेशियोज माने थे ऑफ सेकेंड इक्वेशन के, मतलब म्यू सिस्टम के, तो उनकी वैल्यू आपके पास आई थी L2 इज a म्यू, m2 b म्यू एंड n2 की वैल्यू आई थी 2। ठीक है, प्रोपोर्शनल होते हैं इस तरह से। तो L1, M1, N1 डायरेक्शन रेशियोज आपके पास दो जनरेटर के डायरेक्शन रेशियोज आ गए हैं, इनके बीच में एंगल निकालना है। नाउ कोस थीटा अगर आपने निकालना हो तो हमें पता है दो लाइन के बीच में, क्योंकि मैंने अभी बताया था इनको वेक्टर के फॉर्म में भी लिख सकते हैं जैसे लास्ट प्रॉब्लम में लिख के दिखाया था मैंने अभी, तो वेक्टर्स के फॉर्म में तो दोनों के बीच में एंगल, दोनों का डॉट प्रोडक्ट ए म्यू माइनस बी लैम्डा इंटू बी म्यू प्लस टू इंटू
डिवाइड करना होता है इनके स्क्वायर के सम से, के अंडर रूट से। तो ए स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर प्लस 4, डॉट प्रोडक्ट किसके साथ आएगा, ए स्क्वायर म्यू स्क्वायर बी स्क्वायर म्यू स्क्वायर प्लस 4। ये आपके पास आ गई कोस थीटा की वैल्यू, बिकॉज हमें प्रॉब्लम में क्या शो करना है, टेन थीटा चाहिए। ठीक है, तो अभी कोस थीटा का फॉर्मूला हम जानते थे, दो वेक्टर्स के बीच में कोस एंगल किस तरह से निकलता है। कोस थीटा आने के बाद क्या हम सिकेंड थीटा निकाल सकते हैं, ऑब्वियसली 1/2 में कोस थीटा करके, एंड सिकेंड थीटा से क्या हम टेन थीटा निकाल सकते हैं, बिकॉज हमें पता है टेन स्क्वायर थीटा इज, टेन स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है सिकेंड स्क्वायर थीटा। तो हमारे पास टेन स्क्वायर थीटा आ गया सिकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये जो सिकेंड की वैल्यू आएगी उसका स्क्वायर करना है, 1 में से माइनस करना है, तो हम दिखा पाएंगे इजीली। हमें दिखाना है कि टेन थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये टेन स्क्वायर थीटा आया है। ठीक है, ये आपने सिंप्लीफाई करना है, थोड़ी कैलकुलेशन यहाँ पे आपने करनी है, एंड यू विल शो दैट टेन थीटा की वैल्यू आ गई दिस, अंडर रूट 1 प्लस स्क्वायर बाय ए रेस टू पावर 4 वाई स्क्वायर बाय बी रेस टू पावर 4 अपॉन में बी प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय 2। ये वैल्यू टेन थीटा की आ जाएगी। ठीक है, इस तरह से सिंप्लीफाई करना है, थोड़ी कैलकुलेशन है, उसको ध्यान से आपने सोल्व करना है। तो ये हमारे पास 11th चैप्टर फिनिश हो जाता है। थैंक यू।